10 से 15% आपके C++ से निकलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका C++ वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। तो C++ किसने डेवलप की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, सी फॉन्ट क्या होता है C++ में? तो सी फॉन्ट आपका होता है इजी टूल दैट ट्रांसलेट ए C++ कोड टू इट इज इक्विवेलेंट सी कोड। ठीक है गाइस। थर्ड आपका है द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट इसमें है इंट i10 वॉइड मेन। तो इन्होंने इंट लिया है i20। तो ये आपके छोटा सा प्रोग्राम है। तो इन्होंने आउटपुट पूछा है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसका आउटपुट आपका 3010 प्रिंट होगा आपका। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रोसीजर लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज है आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज? तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोनों ही ऑप्शन राइट है आपकी, दोनों ही लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आंसर पूछा गया है जो एस जी आर डिक्लेयर एज इंटीजर और फिर इसका आंसर पूछा गया है। तो इसमें होगा आपका, इसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा, नन ऑफ द दीज आपका इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक प्रोग्राम C++ से आपकी ऐसे ही कोडिंग आएगी और उससे आपके आंसर्स क्वेश्चन निकल के आएंगे, आपको आंसर देने हैं। ठीक है गाइस। तो आपको कोडिंग अच्छे से देख के जानी होगी। तो 6 का आप आंसर, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर C6 का आंसर आएगा आपका A। जब आप कंपाइल करोगे तो इस क्वेश्चन में एरर आएगी। 7 है आपका रीयूजेबिलिटी इज ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ए लैंग्वेज एज इज। तो 7 का आपका क्वेश्चन आएगा डिक्रीज द टेस्टिंग टाइम लोअर एंड मेंटेन कॉस्ट। ए और बी दोनों ही आपके राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो इसमें इट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन सही है और इसका स्पीड अप है तो स्लो नहीं होगा, और सी इट इंक्रीज द कोड साइज। ये दोनों ही आपके ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ मैनी फंक्शन हैव द सेम नेम विच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इफ प्रेजेंट विल बी यूज बाय ए कंपाइलर टू इन्वोक द करेक्ट फंक्शन इन द यूज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ए और सी, तो बी तो राइट नहीं होगा, सी राइट होगा, फंक्शन सिग्नेचर और द ऑपरेटर। 10 आपका द स्टेटमेंट इन ए टू 5 काउंट फर्स्ट। तो ये पूरा सोल्व करके आपका 10 में आंसर आएगा बी। ठीक है, फर्स्ट 22nd। 11 देखिए, चूज द करेक्ट रिमार्क। 11 में करेक्ट जो रिमार्क है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपका C++ अलाउ एनी ऑपरेटर टू बी ओवरलोडिंग नहीं। बी सम ऑफ द एग्जिटिंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोड। यस, ये बी राइट है। सी ऑपरेटर प्रोसीजर कैन नॉट बी चेंज, ये भी सही है आपका। तो इसका बी और सी सही होंगे। 12 देखिए, जो कंस्ट्रक्टर है वो किसको कॉल करता है? इसे कॉल व्हेनेवर कब कॉल होता है? तो आपका वो जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, एंड ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग रिमार्क अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आर करेक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में आपका डिफरेंस है, जो कंस्ट्रक्टर है वो आर्गूमेंट लेता है लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं लेता। और ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडिंग हो सकता है बट डिस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडिंग नहीं हो सकता। तो इसमें 13 का आपका ए और बी दोनों आंसर आपके राइट है। 14 देखिए, 14 देख
प्रोग्राम दिया हुआ है आपको, आउटपुट देखने इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें प्रिंट होगा द एड्रेस ऑफ सी एफ एक्स ट्वाइस, फिफ्टीन देखिए, फिफ्टीन भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछा गया है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे फिफ्टीन का, तो इसका आंसर होगा बी ट्रू। सिक्सटीन में भी एक प्रोग्राम कोडिंग का पार्ट दिया हुआ है और इसका आंसर होगा डी प्रिंट 1011। सेवनटीन में भी सेम पूछा गया है, इसका आंसर होगा आपका सी प्रिंट 1111। 18 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज क्लास सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस, कौन से आपकी स्टोरेज क्लास नहीं है, तो आपकी डायनेमिक स्टोरेज क्लास नहीं है। 19 भी एक कोडिंग का पार्ट दिया और पूछा गया है कि क्या आउटपुट आएगा, 19 का ऑप्शन है आपका डी। 20 में भी सेम पूछा गया है, तो 20 का आंसर आपका ए होगा। 21 का, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडिंग, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बी और सी है वो ओवरलोड नहीं हो सकते आपके। 22 कोडिंग पूछी गई है, इसमें प्रिंट आउट पूछा गया क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन बी और सी राइट होगा। 23 में भी सेम मेन फंक्शन पूछा गया, तो 23 में भी आपका आंसर बी होगा। 24 में देखो, क्लास डॉग है, इन्हें पब्लिक एक्स पब्लिक वाई इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इन्होंने इनहेरिटेंस किया है, जो यहाँ से है ये आपका इनहेरिटेंस का सिंबल है, तो इन्होंने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो इसमें आपका 25 में आपका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव सारे ही आपके करेक्ट ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन आपका इनहेरिट नहीं हो सकता है, और स्ट्रक्चर भी आपका इनहेरिट नहीं हो सकता है, और ये एक्सप्लोरेटिव भी नहीं हो सकता है। तो 25 क्वेश्चन तक नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगी गाइस, थैंक यू।